गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है कटहल को कैसे काटें। इसका जो कटहल काटने में इसका दूध निकलता है तो वो दूध हमारे हाथों में बहुत चिपचिपा होता है। जिस बर्तन में हम इस्तेमाल करते हैं वो भी ख़राब हो जाता है और जहाँ पर हम काटते हैं वो जगह भी ख़राब हो जाती है। तो जिस तरीके से मैं आपको कटहल काटना बताऊँगी तो उस तरीके से आप किलो किलो कटहल आराम से काट सकते हैं। यानी कम से कम आप 10-10-15 किलो भी कटहल काट लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके हाथ में चिपचिपापन नहीं लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कटहल हमारा 1-2 kg है और मार्केट में आजकल कटहल काट के भी देते हैं, थोड़ा सा पैसा लेते हैं ज़्यादा और आपको कट करके छील के दे देते हैं। तो सबसे पहले हमको कटहल काटने के लिए फ्रेंड्स एक कोई पुराना कपड़ा ले लेना है। आप ऐसा कपड़ा लीजिएगा कि जो आपका ख़राब कपड़ा हो, क्योंकि इसका दूध जब लगता है तो वो उस चीज़ को ख़राब कर देता है। अब फ्रेंड्स, हमको ऑयल लेना है और हमको चाकू लेना है। चाकू या आप हसोल यानी दरात या हसिया से काटते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं चाकू से ही काटती हूँ, चाहे अपनी सब्जियाँ हों, चाहे ग्रीन वेजिस हों, चाहे कोई भी हो। और चाकू आपको ऐसा लेना है फ्रेंड्स कि धारदार हो। और फ्रेंड्स, नॉर्मल सब लोग गलती क्या करते हैं कि एक तरफ दोनों हाथों में तेल लगा लेते हैं, लेकिन आपको दोनों हाथों में तेल नहीं लगाना। अगर आप दोनों हाथों में तेल लगाएंगे तो एक तरफ आप चाकू कैसे पकड़ेंगे? इसलिए फ्रेंड्स कि चाकू पकड़ने में आपका हाथ फिसल सकता है। तो देखिए, मैंने एक हाथ में ऑयल लगा लिया है, अब हम कटहल को कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कटहल का जो ऊपरी हिस्सा, डंडी वाला हिस्सा, उसको कट करेंगे। तो चाकू आपका धारदार होना चाहिए और कटहल को काटने में मेहनत तो लगती है और बहुत सारे लोग तो कटहल को इस वजह से भी नहीं खाते हैं क्योंकि कटहल को छीलने, काटने, बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना हिस्सा, ऊपर का हिस्सा कट करके निकाल दिया और अब आप देख रहे होंगे कि इससे हमारे कटहल से दूध निकलना शुरू हो रहा है। बस ये दूध जो निकलता है यही दूध बहुत चिपचिपा होता है और इसकी स्टिकनेस बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत अच्छे से चिपक जाता है। इसलिए हम तेल लगाते हैं अपने चाकुओं में और अपने हाथों में ताकि इसका दूध हमारे हाथों में चिपके नहीं। तो देखिए, आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे तो इसका धीरे धीरे करके सारा दूध निकल जाएगा और जो हमने ऊपर का कटहल का हिस्सा कट किया है उसी से हम निकालेंगे। अब हमारा दूध का हिस्सा निकल गया तो अब हम इसको बीच से कट करेंगे। तो थोड़ा दूध हमारा इधर ऊपर से निकल गया, अब हम जब कट करेंगे तो देखिएगा फिर इसका दूध निकलेगा। आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हमारा कटहल कट चुका है और ये कोवा वाला कटहल है। एक कटहली होती है जिसमें छोटे छोटे होते हैं, वो नहीं है। और फ्रेंड्स, इसका भी दूध धीरे धीरे निकलने लगेगा और इसको हम अच्छी तरीके से साफ करेंगे और काफ़ी हद तक हमारा कटहल का दूध निकल चुका है और इसी से साफ कर लेंगे, हमारा हाथ इससे ख़राब नहीं होगा। और अब इसका दूध काफ़ी साफ हो चुका है और अब हमारे हाथों में लगेगा नहीं। अब हम बीच बीच में ऑयल लगाते जाएंगे चाकू में और इसको कट करते जाएंगे, पीस पीस में कट करेंगे। तो आप इस तरीके से कटहल बनाइए और कटहल काटिए और आप इस तरीके से काटेंगे तो आप सब्जी पकौड़ी कुछ भी आराम से बना सकते हैं और आपको दिक्कत भी नहीं होगी।
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि मैं छोटे छोटे पीस में कर ली हूँ। इतना बड़ा कटहल मैंने काफ़ी पीस में कर लिया कर रही हूँ। इससे हमको छीलने में आसानी होगी। अगर हम इतना बड़ा कटहल एक साथ छीलेंगे तो हमको थोड़ा सा पकड़ने में या चाकू चलाने में दिक्कत होगी। तो देखिए यहाँ ये आराम से कट जाएगा। आपको चाकू चलता होगा तो खूब अच्छी तरीके से कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं। अब हम इनको लगातार छीलेंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट तरीके से छिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की मैं वीडियो लाती रहती हूँ, और आप लोग चैनल पे अपना प्यार दिखाइए। और फ्रेंड्स, मैं मेरे वीडियो में आप जाके चेक करिएगा, कटहल की बहुत सारी रेसिपी हैं। कटहल की सब्ज़ी कैसे बनती है, कटहल का अचार कैसे बनता है, और कटहल को हम साल भर स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से अब हमारा कटहल आराम से छिल सकता है। और ऊपर का जो मोटी सी डंडी होती है उसको भी हम निकाल देंगे। ज़्यादा थोड़ा थोड़ा हम बचा के रखेंगे, क्योंकि वो जो कटहल होता है तो वो कटहल को जोड़ के रखता है। वरना अगर हम पूरा अच्छे से निकाल देंगे तो उसकी फलक फलक हो जाएंगी, उसकी सारी कटहल हमारा बिखर जाएगा, फिर हमारा कटहल बनने में टेस्टी नहीं लगेगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह के हम सारे कटहल छील लेते हैं। चलिए मैं जल्दी से कटहल छील लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, कटहल को हमने छील लिया है, और देखिए कितना कचरा निकला है, और कटहल भी हमारा छिल चुका है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे हाथ भी अच्छे हैं, हमारे हाथ भी ख़राब नहीं हुए हैं। तो आपको ये तरीका किस तरह लगा? अब हम इसको अपने मनचाहे पीस में कट कर सकते हैं, जिस तरीके से आप पसंद करना है। आप इसका सब्जी बनाइए, अचार बनाइए, इसको उबाल के, हम इसको साल भर के लिए भी उबाल के स्टोर कर सकते हैं। इसको हल्का सा उबाल के और फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए मैं छोटे छोटे पीस में कट कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका अचार बनाना है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आए हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से धन्यवाद। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बाय, लव यू ऑल फ्रेंड्स।